तो दोस्तों आप लोग मेरे साइड में देख सकते हैं कि आप लोगों यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख रहा है। ये ईमेल मुझको कल मिला है दोस्तों यूट्यूब की तरफ से, और यहाँ पर जो मेल देखकर भाई काफी क्रिएटर घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों ने मैसेज कर दिया है कि भाई मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ गया है। दोस्तों ये वीडियो आज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लोग को वीडियो को एकदम कम्प्लीट देखना है। आप लोग को यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है कॉपीराइट क्लेम के बारे में। दोस्तों यूट्यूब यहाँ पर दिन पर दिन अपने पॉलिसी में काफी ज्यादा चेंजेस करता रहा। दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा यूट्यूब अब स्ट्रिक्ट हो गया है अपने पॉलिसी को लेकर। यहाँ पर दोस्तों YouTube ने बताया कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक है। दोस्तों यहाँ पर दो ऐसे चीज होते हैं, जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, कॉपीराइट क्लेम होता है। यहाँ पर दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जो काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर YouTube ने पूरा डिटेल बताया, तो आप लोगों को वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना है। आप लोगों को पूरा डिटेल मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यानी कि हिंदी में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लाइक अभी तक नहीं किया वीडियो, जाकर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में कि यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि आपके पास अगर ये मेल आया होगा तो आपके चैनल का नेम लिखा होगा। दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है कि मिस्टर टेक्निकल खुफिया लर्न अबाउट कॉपीराइट ऑन यूट्यूब। दोस्तों यहाँ पर अब यूट्यूब आपको बताना चाह रहा है कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट क्या है। आप लोग को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे तो। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे लिख रहा है गेट क्लू ऑन कॉपीराइट। दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक लिख रहा है गेट क्लू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि YouTube आपको बताना चाह रहा है कि क्लू देना चाह रहा है, एक आप लोगों को सुराग मान लीजिए कि आप लोगों को बताना चाह रहा है कि क्या सुराग है, आप लोगों को कैसे पता करना है कि आखिर मैं अपने कंटेंट में किस तरह का यहाँ पर मतलब किसी भी कॉपीराइट क्लेम से कैसे बच सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बच सकता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर एक क्लू दिया जा रहा है, आप लोग को एक सुराग दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीचे आप लोग को मिल रहा है ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग को जानना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये मेरा कंटेंट जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, और इस मेरे कंटेंट को दोस्तों यहाँ पर कोई भी सामने वाला बंदा अगर अपने कंटेंट में यूज कर लेता, अपने वीडियो में यूज कर लेता है, दोस्तों यहाँ पर अब होगा क्या कि अब सामने वाले को ऑटोमेटिकली कॉपीराइट चला जाएगा। यहाँ पर मुझे कॉपीराइट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले को, और उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर ओरिजिनल आपका कंटेंट है दोस्तों, आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट है, अब सामने वाला बंदा आपके कंटेंट को अगर यूज कर लेता है तो दोस्तों यहाँ पर सामने वाले को ऑटोमेटिकली कॉपीराइट चला जाएगा। और यहाँ पर जो लिख रहा है दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग को यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये कानून के खिलाफ है दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए एक रूल बनाया गया है, जो यहां पर YouTube कुछ भी नहीं कर सकता। यहां पर नॉट YouTube आप देख सकते हैं, यहां पर एक आप लोगों को ब्रैकेट में आप लोगों को एक लाइन लिखा हुआ है, सामने वाले को ऑटोमेटिकली कॉपीराइट चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस बात का खास यहां पर ख्याल रखना है। दोस्तों यहां पर जो आप लोगों को नीचे में एक लाइन दिख रहा है, यहां पर आप लोगों को नीचे में एक बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट का आपको एक ऑप्शन मिल, यहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहां पर फुल प्रोसेस आप लोगों को बताया गया है। अब दोस्तों आप लोगों को यहां पर नीचे में जो मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिख रहा है, ये तीन आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों जो पहला आप लोगों को ऑप्शन में बोल रहा है कि, तो यहां पर दोस्तों मान लीजिए कि आप लोगों को एक आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक टी सीरीज के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। तो यहां पर अगर आप कोई टी सीरीज का अगर आप लोग कोई गाना या कोई म्यूजिक अपने वीडियो में यूज कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आप लोग को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो दोस्तों आप लोगों को उसको कैसे रिमूव करना है, आप लोगों को यहां पर कौन सा प्रोसेस आप लोगों को यहां पर लेना है, कौन सा स्टेप आप लोगों को उठाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूरा गाइड किया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एक कंटेंट आईडी होता है, जैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो टी सीरीज है उसका एक अपना कंटेंट आईडी है दोस्तों। अगर आप लोग ऐसे किसी भी म्यूजिक या सॉन्ग को आप लोग यूज करते हैं अपने वीडियो में तो आप लोगों को यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका कंटेंट आईडी होता है खुद का, तो यहाँ पर आप लोगों को सामने वाला कॉपीराइट स्ट्राइक देगा, ना कि कॉपीराइट क्लेम देगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कॉपीराइट क्लेम होता है वो आपके वीडियो पर आता है, और वो वीडियो पर आपके जितने भी आ जाए आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर होगा ये कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो यहाँ पर वो रिवेन्यू जो भी बनेगा दोस्तों उस वीडियो का, जितने भी वीडियो पर आप लोगों को यहाँ पर कॉपीराइट आया होगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी रिवेन्यू बनेगा वो सामने वाले को चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, यहाँ पर ये होता है कि अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है 90 दिन में तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 90 दिन के बाद आपका चैनल सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर काफी आप लोगों को यहाँ पर खास लाइन आप लोग को लिखा गया, तो आप लोग इस पर जाकर जरूर से आप लोग को यहाँ पर देखना। यहाँ पर आप लोग को दूसरा वाला नंबर आप लोग को लिख रहा है, यहाँ पर आप लोग को बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आप लोग को यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक अगर दे देता है तो आप लोग को यहाँ पर कैसे पता करना है कि क्या ये कॉपीराइट स्ट्राइक जो रियल है या कोई फेक है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग के डैशबोर्ड में कॉपीराइट मैच टूल आप लोग को मिलता है, तो आप लोग वहां से जाकर इसको पता कर सकते हैं, आप लोग इसको फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो थर्ड वाला लाइन दिया गया, यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग किस टाइप के यहाँ पर कंटेंट को अपलोड करेंगे और किस टाइप के कंटेंट को आप लोग को अपलोड करने से बचना है, ताकि आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आपको ना मिले। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोग को एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पर क्या ओपन हो गया। आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया जा रहा है कैसे आप लोगों को किसी भी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक से आप लोग को बचना है। आप लोग को यहाँ पर पूरा इस वीडियो में डिटेल बताया गया, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। तो आप लोग को वीडियो समझ में आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के।